अगर आपके बाल भी बहुत तेजी से झड़ रहे हैं और उनका ग्रोथ रुक गया है तो मेरी आज की ये वीडियो देखिए। ये उपाय आप करेंगे तो आपको फर्क खुद दिखेगा। एक दो बार ही लगाने से आपके बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। जब भी मेरे बाल झड़ने मतलब शुरू हो जाते हैं तो मैं यही उपाय करती हूँ। मैं मतलब कोई और चीज़ नहीं ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे इससे हमेशा फ़ायदा होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और वीडियो आज की थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। कई कारणों से बाल झड़ता है, अगर आप कमजोर है तो उसकी वजह से भी, या फिर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं उसके वजह से भी बाल झड़ने लग जाते हैं। इस समय मेरी कुछ वही स्थिति है। कुछ महीने से दो तीन महीने तो हो ही गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस वाला नहीं है, लेकिन हाँ दवाइयाँ मतलब कंटिन्यू चल रहा है किसी न किसी चीज़ का, इधर भी से मतलब कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम तो दवाई चल ही रहा है। इसकी वजह से बाल मेरे इस समय झड़ना शुरू हो गया है कि ये आप सप्ताह में 2 से 3 दिन करें, और ये अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप 15 से 20 दिन तक मतलब 2-3 दिन के गैप पर ये लगाते रहें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जब आपके बाल लगे कि नहीं अब झड़ना मतलब बंद हो गया है तो फिर इसे बंद कर दे। इसे ये नहीं है कि हमेशा के लिए लगाना है, ऐसा नहीं है। जब आपके झड़ने लग जाते हैं तो आप ये स्टार्ट कर दीजिए, कम से कम 2-3 दिन के गैप में 5 से 6 बार लगाइए, तो उसके बाद फिर आपके बाल खुद झड़ना बंद हो जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं उसके लिए क्या लगाना है बालों में। तो इसके लिए आपको लेना है एक प्याज, ये है एक प्याज, और आधी इंच के लगभग में अदरक, इसका छिलका हटा लिए हैं तो प्याज का भी छिलका हटा लेंगे। और इसी तरह का प्याज लेंगे, जो डार्क रेड कलर का जिसका छिलका होता है वो प्याज नहीं लेंगे, और इसको घिस लेंगे और फिर अदरक को भी इसी में घिस लेंगे। तो हमें इनका रस निकालना है, तो इस तरह से आप घिस लीजिए तो बहुत अच्छे से, आप चाहें तो छन्नी से निकालें रस, वरना मैं तो ऐसे ही निकाल लेती हूँ, बहुत अच्छे से हो जाता है। और एक प्याज में काफ़ी हो जाता है बाल में लगाने के लिए। तो देखिए इतना निकल गया है, 4-5 चम्मच के लगभग में है ये। अब इसमें डालेंगे विटामिन ई और एलोवेरा जेल, तो एलोवेरा जेल लगभग 1/2 चम्मच के लगभग में है, और इसे मिलाकर आप बालों में लगाइए, बाल झड़ने तुरंत बंद हो जाते हैं। ये मैं जब किचन में सुबह काम करती हूँ उसी समय जब सब्जी के लिए प्याज काटती हूँ तो उसी समय कर लेती हूँ, ताकि मतलब एक ये ना रहे कि फिर अलग से एक्स्ट्रा काम करना है। तो अभी इसको बालों में लगा लेते हैं, और इसमें केवल अगर आप अदरक और प्याज का रस लगा रहे हैं तो उसको केवल जड़ों में लगाएं, बालों के लेंथ में नहीं लगाएं। लेकिन मैंने इसमें एलोवेरा जेल से बाल सिल्की हो जाते हैं, तो सिल्की रहेंगे तो टूटेंगे नहीं, तो एलोवेरा जेल और विटामिन ई से बालों के जड़ों में मजबूती मिलती है। इस तरह से कॉटन से बालों के जड़ों में लगा लेंगे। जड़ों में अच्छे से लगा लिए हैं, उसके बाद 30 सेकेंड तक हल्के हाथों से मसाज कर लेंगे। और फिर अभी जो बच गए हैं उसको लेंथ में भी लगा लेंगे। अगर आपके बाल नहीं भी झड़ रहे हैं तो आप एलोवेरा जेल में विटामिन ई मिला के आप लगा सकते हैं। तो अच्छे से मसाज कर लेंगे, तो मसाज हो गया, इसके बाद 1/2 घंटा के लिए इसको छोड़ देंगे, फिर शैम्पू कर लेंगे
तो इसको लगा के अपना काम करते रहिए, मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि पता चल रहा है कि क्या लगाए आप अपने बाल में। और बहुत फ़ायदा करता है ये बाल झड़ने के लिए। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो एक बार आप लोग लगा के इस तरह से ट्राई करिएगा, फ़र्क आपको खुद दिखेगा। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये मैं मतलब अब ये कम से कम इधर बीच में 15 दिनों तक करूँगी, हर दूसरे तीसरे दिन बाल में। और इसको लगाने में बहुत तामझाम भी नहीं है, जब आप किचन में सुबह सब्जी बनाना ही रहता है उसी समय। आज तो मैं अभी लगा रही हूँ किचन का काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि वीडियो बनाना था, वरना मैं किचन में काम करते करते ही उसी में बीच में थोड़ा सा समय निकाल के बाल में लगा के और फिर अपना काम करती रहती हूँ। काम ख़त्म हुआ तो जाके शैम्पू कर लिए, पता भी नहीं चलता और मतलब समय बिल्कुल नहीं लगता। तो एक बार आप लोग इस तरह से करके ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी आधे घंटे बाद शैम्पू करने के बाद मिलते हैं। अभी 30 से 40 मिनट हो गया है तो कर लिए हैं शैम्पू। देखिए बाल सिल्की भी कितने ज़्यादा हो गए हैं, तो एलोवेरा जेल से बाल बहुत अच्छे से सिल्की हो जाते हैं। और मेरे बालों का कलर देखिए, ऐसे लग रहा है कि कलर करे हुए हैं, जबकि मैं कलर नहीं करती हूँ बालों में, केवल मेहंदी लगाती हूँ। और कभी कदार तो आंवला सिकाकाई में मिला के मेहंदी लगाती हूँ, कभी कदार ऐसे मेहंदी लगा लेती हूँ। लेकिन कलर देख लीजिए कितना ज़्यादा ब्लैक है। तो इससे दोनों हो जाता है कि अगर आपको सिल्की भी करना है और बाल झड़ने से भी रोकना है तो दोनों उपाय साथ साथ हो जाता है, अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके बाल बहुत अच्छे घने लंबे हैं तो नज़र भी लगते हैं, तो मैंने एक इसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, इसमें लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। या फिर आप बोलेंगे तो कमेंट करिएगा तो मैं फिर से एक नई वीडियो बना दूंगी कि नज़र कैसे उतारते हैं बालों का। और ये आप ज़रूर करिएगा, लंबे बाल हों या घने हों या काले हों, मतलब कुछ भी थोड़ा अलग रहता है, तो मतलब कोई नज़र लगाता नहीं है, नज़र लग जाता है। तो इस तरह पे भी मैं वीडियो बनाई हूँ तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं चेक कर पा रहे, अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से एक नई वीडियो बना दूंगी। तो इसी तरह से मैं अपने बालों का ख्याल रखती हूँ। तो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये आप आज़माइएगा और फिर कमेंट करिएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।